हेलो सबको, भाई मैं हूं आशीष योकिन। आज बहुत ही गजब आपके लिए रेस लेके आए हैं, वो है आपकी सेल्टॉस वर्सेस WRV। तो लोगों को मन में बहुत डाउट रहता है कि यार किया के इंजन्स बहुत अच्छे हैं या फिर बहुत तेज भागते हैं, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट बता देता हूं। ये जो किया है ये है आपकी पेट्रोल के अंदर, ये डीजल नहीं है। दूसरी तरफ आपकी जो WRV है वो डीजल है। अब इन दोनों की एक बार पावर फिगर्स की भी बात कर लेते हैं। किया सेल्टॉस के अंदर आपको मिलता है 115 BHP। इसके आप BHP देखते हो तो सेम डीजल वाली आती है, लेकिन टॉर्क की बहुत ज्यादा कमी है। 45 NM इसके अंदर टॉर्क आता है। इस तरफ अगर आप चेक करते हो तो ये है आपकी WRV 1500 cc डीजल इंजन, लेकिन इसके अंदर टॉर्क आता है 200 NM का टॉर्क, लेकिन 100 BHP है। तो BHP उससे 15 कम है और टॉर्क उससे ज्यादा है 55 NM का। तो देखते हैं दोनों को एक बार रेस करके कौन सी आगे रहती है कौन सी पीछे। दोनों के अंदर 6 गियर आते हैं, इसके अंदर भी 6 गियर आते हैं, इसके अंदर भी आपको 6 गियर मिल जाते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं इनकी रेस एक बार। ही इज द ओनर ऑफ किया सेल्टॉस, तो फिर देखते हैं कि भाई आप बताओ आपको चलाने में कैसी लगती है गाड़ी सेल्टॉस। हाँ, इंजन अंडर पावर्ड लगता है मेरे को तो। हाँ, क्योंकि इसके जो पहले और दूसरे गियर में एक लैग आता है ना ड्रैग रेस के हिसाब से देखा जाए। हाँ, तो इंजन काफी इसका अंडर पावर्ड है। अच्छा, वो वाला मजा नहीं आता भगाने का। तो भाई के हिसाब से मैं मतलब बता देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड गियर में हुंडई बिकॉज इट्स अ नेचुरली एस्पिरेटेड तो थोड़ा सा लैग रहता है। इस तरफ आपको इसके अंदर रेव लिमिटर और सॉफ्ट लिमिटर जो भी कह लो वो आपको मिलता है, तो 2500 RPM से ऊपर नहीं जाएगा अगर आपने गियर लगा रखा है और क्लच दबा रखा है। तो आज उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं और पहला राउंड करते हैं, तभी जान पाएंगे कि कौन सी गाड़ी आगे रहती है और कौन सी गाड़ी इसमें पीछे रहती है। तो लेट्स गो। अगर आप इन दोनों की गाड़ियों की वेट की बात करोगे ना, उस तरफ आपको 1250 किलो की मिल जाती है WRV, और अगर आप बात करते हो सेल्टॉस की तो ये भी सेम सा ही आपको वेट मिलता है, कोई ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो भले ही ये सेल्टॉस उससे बड़ी गाड़ी है, लेकिन वेट वाइज अगर आप कंपेयर करते हो तो उसके बराबर ही है। तो वेट वाइज तो ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं। तो पहले राउंड में हम लोग क्या करते हैं, AC को ऑफ कर लेते हैं, ऑफ में करेंगे, और अगले राउंड में हम AC ऑन करके भी देखते हैं कि कुछ डिफरेंस आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे रोक लेते हैं, एक बार पूछ लेता हूँ, मैं बता देता हूँ। और इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह आते हैं, वो मैं आपको ऑफ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे ऑफ हो चुका है। अब AC ऑफ, अगले में ऑन करेंगे, ठीक है। AC ऑफ कर लो। तो लगा दिया पहला गियर और भाई वहां से 1 2 3 कर देंगे। चलते हैं भाई यहाँ से। WRV अब निकल गई भाई आगे। मैं तो फिर भी ये टक्कर बराबर सी की क्यों लग रही है मेरे को। निकल गई भाई, निकल गई आगे। स्पीड दिखा देता हूं आपको, 120 की आ चुकी है। कोई फायदा नहीं है भाई इससे ऊपर जाने का। और WRV देखो बराबर सी टक्कर रहती है, मतलब 19-20 का फर्क रहता है, लेकिन एंड में आके WRV आगे निकली है जस्ट बिकॉज ऑफ द टॉर्क, या फिर आप जो भी कह लो डीजल का एडवांटेज। अब एक काम करते हैं, अगले राउंड में AC चला लेते हैं, तब एक बार कंपेयर करते हैं, तभी पता लगेगा कि कुछ AC चला के भी डिफरेंस आता है या नहीं आता। और एक और बात भाई, WRV के अंदर आपको दो बंदे बैठे हुए थे और इसके अंदर मैं सोलो बैठा हुआ हूँ, तो ये भी एक डिफरेंस आ सकता है। लेकिन अभी देख लेते हैं फिर से एक बार करके कि क्या डिफरेंस बनता है अगले राउंड के ऊपर। तो सेकंड राउंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, AC कर रहे हैं ऑन। आप देख सकते हो AC ऑन है, 18 डिग्री पे मैंने सेट कर दिया है। ट्रैक्शन कंट्रोल अभी भी हमारा ऑफ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और उधर भी मैंने AC ऑन करवा दिया है। तो AC ऑन करवा के फिर उसके बाद देखो AC ऑन करने का मतलब क्या होता है ना, कि कौन सी गाड़ी आपकी दबती है AC के अंदर और कौन सी नहीं दबती, वो भी पता लग जाता है। तो वैसे तो WRV जीत गई है, लेकिन अब AC ऑफ ऑन के साथ देखते हैं। करो स्टार्ट, अब राउंड नंबर 2 करने जा रहे हैं हम लोग। हुंडई कुछ करो इन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल्स का, सोचो कि मतलब उनसे आप थोड़ी सी प्रेरणा ले सकते हो, सीख सकते हो कि मारुति कितना बढ़िया तरीके से बनाती है। अब AC ऑन हो गया, अब तो और ज्यादा दबने वाली है, पहले थोड़ी बहुत टक्कर दे भी रही थी, बट क्या पता वहां से होंडा भी दब जाए। तो अब करो करते हैं स्टार्ट भाई, करो। भाई पूरी कोशिश कर ली, सेकंड गियर लगते ही ले भाई होंडा पीछे 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 होंडा पीछे। अरे भाई निकल गई, नहीं 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 नहीं, बराबर सी, बिल्कुल बराबर सी निकल गए भाई हम आगे। भाई AC में सेल्टॉस आगे निकल गई होंडा से। अरे वाह भाई वाह। तो यार हो सकता है कि कुछ ड्राइवर का भी फर्क हो,
तो एक काम करते हैं, एक बार ड्राइवर एक्सचेंज करते हैं, विद एसी ऑन करके ही हम लोग चेक करने वाले हैं कि कौन सी आगे रहती है कौन सी पीछे, और इस बार एसी को कर लेंगे हम लोग ऑन, लेकिन ड्राइवर चेंज जरूर करेंगे हम। यार बहुत ही कंफ्यूजन आ रहा सेकंड राउंड। निखिल कह रहा है कि उसने थोड़े बहुत ब्रेक मार लिए हैं, बट हमें मुझे नहीं पता कि सच में ब्रेक मारे या बाद में मारे या कब मारे, लेकिन मेरे को लग रहा था कि बिल्कुल बराबर सी की टक्कर थी, कोई ऐसा डिफरेंस था नहीं। तो अब उस वाले ट्रैक पे चलते हैं, थोड़े लंबे वाले पे, वहां पे देखते हैं कि कुछ डिफरेंस निकल के आता है या फिर क्या रहता है। तो करते हैं अगला राउंड, और इस बार भी एसी ऑन है और लंबा ट्रैक है थोड़ा इस बार। WRV रह गई पीछे भाई, इस बार तो कोई गलती नहीं हो रही हमसे, लेकिन WRV पीछे रह रही है, पीछे 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 भाई, WRV हार रही है। अगर आप बात करते हो ना लॉन्ग रन में, तो WRV हार रही है आपकी। आप देख सकते हो स्पीड, अब तो बहुत बढ़िया स्पीड आ चुकी है भाई, 140-150 चढ़ चुके हैं हम लोग, तो WRV लूजिंग। तो आपने देखा जैसे अगले पिछले राउंड में भी WRV हारी थी, इसमें भी हारी, तो एसी के साथ तो WRV हार रही है, यानी होंडा में होंडा दबती है थोड़ा एसी के साथ, लेकिन सेल्टॉस नहीं दब रही बिल्कुल भी। तो करते हैं अगला राउंड, इसमें भी हमारा एसी ऑन है और ट्रैक्शन ऑफ है, करते हैं। WRV पीछे भाई, सेल्टॉस निकल निकल निकल, यार बराबर सी की टक्कर है बिल्कुल, निकल गई भाई आगे, अब आगे निकल गई, स्पीड भी बहुत बढ़िया आ चुकी है अब तो, स्पीड आप देख सकते हो भाई, क्या रहा भैया, क्या रहा, क्या हार रहा तू, मैं क्या हार रहा हूँ, फर्स्ट राउंड में तो जीत गया था, देख लो अब क्या होता है अगले राउंड, पता नहीं जैसे इसका एसी ऑन करा तो देखो थोड़ी दूर तक तो सही जाती है, लेकिन फिर एकदम से सेल्टॉस आगे निकल जाते हैं फोर्थ गियर, फर्स्ट और सेकंड में लगा, हाँ थर्ड गियर के बाद वो सही से निकल जाती है, तो रन में सेल्टॉस आगे जा रही है। तो अभी तक WRV में दो लोग बैठे थे, अब सेल्टॉस में हम दो लोग जा रहे हैं, तो देखते हैं, और आशीष भैया इसमें अकेले रहेंगे। तो एक बार ड्राइवर एक्सचेंज करके भी देख लेते हैं भाई क्या इश्यू रहता है। तो जो दोनों बंदे WRV में बैठे थे वो दोनों जा रहे हैं अब सेल्टॉस के अंदर, और मैं चलाने वाला हूँ होंडा को, तो देख लेते हैं आपको डिफरेंस आता है या कहानी वही बनी रहती है। एसी ऑन के साथ ही करेंगे, और ट्रैक्शन वगैरह भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं आता ऐसा कि कोई ट्रैक्शन कंट्रोल हो या फिर ऐसी कोई चीज हो, तो इसको स्टार्ट करते हैं अब सीधा। रेव लिमिटर मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी फर्स्ट गियर मैंने एंगेज कर दिया है, लेकिन यहाँ पे RPM थोड़ा सा रुक जाता है, तो इसको मैंने बहुत कोशिश कर ली कि यार इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता। हाफ क्लच भी देख लिया, फुल क्लच भी देख लिया, हाफ क्लच को थोड़ा सा दबा के फिर पूरा भी दबा के देख लिया, सारे काम मैं सारे पैतरे अजमा चुका हूँ, लेकिन ये कंट्रोल में नहीं आता, ये स्कोडा में भी आता है। अब करते हैं अगला राउंड, उधर से अपना 1-2-3 कर देंगे भाई, करो भाई करो, हाँ 1-2-3 करो, देखो सेकंड गियर तक होंडा आ गया है और सेल्टॉस पीछे रह रही है, भाई ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, मेरे को लगता है ड्राइवर का फर्क है ये, कि इस बार होंडा आगे निकल गई और सेल्टॉस पीछे रह गई है, तो ये थोड़ा सा ड्राइवर का डिफरेंस लगता है मेरे को। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि इसको क्लियर विनर किसको बताए, क्योंकि जब मैंने WRV चलाई तो WRV जीत रही है, सेल्टॉस चलाई है तो सेल्टॉस जीत रही है। निखिल कह रहा है कि उससे थोड़ी बहुत कुछ गलती हुई होगी या फिर क्या है कि जो सेल्टॉस पीछे है, तो एक बार फिर से करके देखते हैं भाई ये आखिरी वाला राउंड, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप लोग भी बता सकते हो कि भाई कौन सी गाड़ी तेज दिख रही है आपको ऑन स्क्रीन, कि भाई कौन सी आपको लगता है कि तेज है, WRV तेज है या फिर वहां पे किया सेल्टॉस तेज है। अब करते हैं अगला राउंड, इस बार क्लियर होने की चांसेस है, कोई गलती वलती ना हो तो कर, भाई मैं तो होंडा को ही विनर मानूंगा देखो, क्योंकि मैंने दोनों चला के देख ली और डीजल का एडवांटेज तो है भाई देखो, तो सेल्टॉस हार रही है, अपनी स्पीड भी देख सकते हो आप, बढ़िया स्पीड आ रही है और कहीं से भी मेरे को नहीं लगता कि सेल्टॉस इसको हरा पाएगी, तो मैं विनर मानता हूं भाई WRV को। बाकी आप लोग कमेंट्स में ओपन है आपके लिए, आप बता सकते हो कि कौन सी जीती है कौन सी हारी है। डीजल का एडवांटेज तो देखो होता है, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है और क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैं विनर मानता हूँ क्लियरली होंडा को।
तो आपने देखी थोड़ी सी लंबी रेस हो गई है, लेकिन भाई क्लियर विनर निकालना ही हमारा काम होता है। हम ये नहीं कि भाई एक राउंड किया और उसका कंफ्यूजन है तो उसके बाद भी हम उसको या फिर उसको आगे बता दे। तो मयंक भाई आप बताओ कौन सी फास्ट लगी? यही है ना, WRV। हाँ होंडाई, मतलब मेरे को भी मैंने इसका पहले बताया था, जो पेट्रोल इंजन का लैग है वो तो है ही। हाँ, और पहले और दूसरे गियर में जो लैग आ जाता है ना, ड्रैग रेस ऐसी है शुरुआती खराब हो जाए तो एंड बस 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 वही है, फर्स्ट गियर में ही होंडा आगे निकल जाती है, फिर वो उसको पकड़ ही नहीं पाती दूर दूर तक भी। तो यही थी आज की कुछ वीडियो भाई, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से थैंक यू। आप लोग कमेंट में बता सकते हो आपको कौन सी गाड़ी की ड्रैग रेस देखनी है, ओनरशिप के लिए आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।